नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। चीनी लोन ऐप केस डेटा चुराकर गंदी तस्वीरों से करती है ब्लैकमेल। चीनी लोन ऐप से लोगों को ठगने वाले गिरोह ने पकड़े जाने के बाद आरोपियों ने कई बड़े खुलासे किए हैं। आरोपी लोगों के मोबाइल का निजी डाटा चीनी कंपनी के सर्वर पर अपलोड करने के बाद दोस्तों रुपए जारी करते हैं। इसके बाद इन्हीं निजी डाटा के जरिए लोगों से वसूली करते हैं। जो लोग लोन लौटाने में देरी करते हैं या मना करते हैं, उनकी फोटो अश्लील बनाकर सार्वजनिक करने की धमकी देते हैं। ऐसे में लोग डरकर ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हैं। आरोपी लोन के लिए कंपनी का ऐप डाउनलोड कराते हैं। ऐप आपके संपर्क गैलरी और अन्य मीडिया में जाने की अनुमति मांगती है। अधिकांश लोग इसे बिना पढ़े ही अनुमति दे देते हैं। जो इसे पढ़कर अनुमति नहीं देते, उनकी लोन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है। संपर्क विवरण, चैट, गैलरी, फोटो निकालकर चीनी कंपनी के सर्वर पर अपलोड कर देते हैं। इसके बाद लोन के रुपए जारी करते हैं। आरोपी चीन के डिंग टॉक समेत अन्य ऐप से जुड़े भारतीय लोगों का डाटा लेते हैं। इसके बाद उनके मोबाइल पर लोन के लिए मैसेज भेजते हैं। मैसेज में वह बिना दस्तावेज और आसानी से मिलने वाला लोन बताते हैं। जिन लोगों को छोटे लोन की जरूरत होती है, वह इनके झांसे में फंस जाते हैं। 14 जुलाई 2022 को हिमांशु गोयल ने शिकायत दी कि फेसबुक पर लोन का विज्ञापन देखा। उन्होंने ऑन स्ट्रीम नाम का ऐप डाउनलोड करके 6,870 रुपए का लोन मिल गया था। बाद में उन्हें परेशान करके 1,00,000 रुपए तक जमा करा लिए हैं। पुलिस ने द्वारका सेक्टर 7 में फर्जी कॉल सेंटर पर छापे मारकर 4 लोगों को पकड़ा है। मजनू का टीला निवासी नरेश भाटी ने शिकायत दी थी कि उनके पास एक महिला का फोन आया। उसने धमकाया कि उनकी बेटी ने 3,000 रुपए का लोन लिया है और तो रुपए जमा नहीं किए हैं, बेटी के अश्लील फोटो वायरल कर देंगे। उनकी बेटी का अश्लील फोटो उनके पास भेज भी दिया था। तो दोस्तों, इस प्रकार लोगों को ठगा जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, इसलिए आप इन सभी से सावधान रहें। सोशल मीडिया पर दिए जाने वाले लुभावने लोनों से आप जरूर बचें। किसी भारतीय कंपनी से आप लोन ले सकते हैं। किसी भी लोन के बारे में बैंक में जाकर उसकी पूरी जानकारी लें। सस्ते और आसान तरीकों से लोन देने का लालच देकर लोगों को दोस्तों ये फंसा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो ऐप्स हैं, जो दोस्तों लुभावने ऐप्स हैं जिनके माध्यम से आपको लोन दिया जाता है, उनसे आप जरूर बचें, वरना आपकी जिंदगी भी खराब हो सकती है। आपको भी दोस्तों बाद में ब्लैकमेल किया जा सकता है। आपकी भी नग्न तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की जा सकती है। इसलिए आप सभी अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। चीनी कंपनी के जो दोस्तों ऐप्स हैं, उनसे जरूर बचें। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें।